भाई प्रकाश ठाकुर जी, भाई करीम खान जी, कैलाश नाहटा जी, भाई ओनी महलांग जी, झुमुक साहू जी, सरोजनी चंद्राकर जी, सुजीत बघेल जी और सबो मंच में उपस्थित हमारे साथी मन और जामुल क्षेत्र के आए हमारे सबो सम्मानित दाई दीदी बहनी मन, युवा साथी मन, जब से नवा राज बने हैं ओकर बाद पिछले समय आप मन हमर कांग्रेस के सरकार बनाए भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, आप देखा तो नवा राज बने के बाद जतका विकास नहीं हो रही से 3 साल में ओकर से ज्यादा विकास के काम सब क्षेत्र में हुए हैं। और नगर निकाय क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास के काम हमर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होते, और जामुल क्षेत्र ही नहीं पूरा हमर प्रदेश के 169 नगर निकाय है, सबो नगर निकाय में विकास के अच्छा काम होते, जते मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए वो गुणवत्तापूर्ण मिले, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, वही अनुरूप हमर नगर पालिका नगर निगम मन में काम होते, सब निकाय मतलब टैंकर मुक्त करे के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी देरी से, पूरा हमारे नगरी निकाय मन सब टैंकर मुक्त हो गए हैं। और स्वच्छता के मामला में मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, सड़क है, पानी है, बिजली है, सफाई है, ये मामला में राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हमारे प्रदेश में मिला थे। स्वच्छता के मामला में ये बार पहली बार हमारे भारत देश के इतिहास में स्वच्छता के मामला में लगातार 3 साल कोई राज्य ला पुरस्कार मिले है, पहली नंबर के तो हमारे छत्तीसगढ़ ला मिले है, ओडीए प्लस प्लस में भी प्रथम स्थान आए हैं, और प्रधानमंत्री आवास जो शहरी क्षेत्र में बनते ओमा गुणवत्ता में भी राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार कोई राज्य ले मिले तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ले मिले हैं, तो एक श्रेय जाते हमारे माननीय मुख्यमंत्री भाई भूपेश बघेल जी ला, उनका नेतृत्व में सिर्फ नगरी निकाय नहीं सब क्षेत्र में विकास का काम होते, आज गांव गरीब किसान खुश है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जनता खुश है, जनता के विकास के काम तो होते, भगवान रामों के काम लभी आगे बढ़ाए के काम हमारे भाई भूपेश बघेल जी कराते, राम वन गमन पथ के जो निर्माण होते, और जहां जहां भगवान रामचंद्र जी विश्राम कर रही सो जगह पर्यटन केंद्र बनाए के काम भी भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में होते, और ये क्षेत्र के विकास कैसे हो कर बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बात करते रहते, कहा पाए के ये पहली यहाँ के विधायक रही भाई भूपेश बघेल जी है, और यहाँ के लोगन मल्ला यहाँ के विकास के बारे में सब वो जानकारी रखते, पिछले 6 महीना में हमारे जामुल नगर ला 10 करोड़ रुपया के राशि स्वीकृत करेगी हवे, तो ये हमारे नगरी निकाय क्षेत्र में विकास के लिए जो काम आज होते, तो आने वाले समय में नगरी निकाय क्षेत्र में अभी चुनाव भी होने वाला है, चुनाव में समय फिर जीता के लानू तो निश्चित रूप से और ज्यादा अच्छा काम होगी, कैसे भाई ताली उली बजा ले काम ताली भर बजाई, तो मोर निवेदन है कि आप सब माननीय मुख्यमंत्री जी जो विकास के काम में हाथ आगे बढ़ाए वो कहा उकर हाथ लामू मन मजबूत करवो, तो निश्चित रूप से हमारे जामुल आगे बढ़ी, दुर्ग आगे बढ़ी और छत्तीसगढ़ आगे बढ़ी, ऐसे मैं निवेदन करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मंत्री महोदय, आपके उद्बोधन के लिए आपके प्रति हार्दिक आभार। हमारे बीच माननीय श्री मोहम्मद अकबर साहब उपस्थित हैं, वन परिवहन आवास एवं पर्यावरण विधि एवं विधायी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मैं सादर आमंत्रित कर रही हूं आपको आपके उद्बोधन के लिए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित छत्तीसगढ़ के
यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भाई भूपेश बघेल जी, मंत्रिमंडल के हमारे साथी भाई शिव कुमार डहरिया जी